नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे ब्लॉग नंबर 2 में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग है हमारा मच्छी भात। मच्छी भात दोस्तों इसलिए आज हमारी मैडम को ठंड ज्यादा लग गई और मैडम का मन हुआ मच्छी भात खा के। आज का मौसम ठंडा ही है। हाँ, तो दोस्तों अभी हम गए थे मछली बाजार और मछली बाजार से लाए हम कई तरह की मछलियाँ, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों हम क्या बोलते हैं, मच्छी बाजार जाते हुए भी आपको वीडियो बना सकते थे आप लोगों के लिए, लेकिन हमें थोड़ा बाहर कैमरा वमरा ले जाके थोड़ा शर्म सी लगती है, तो इसलिए दोस्तों हम शॉपिंग करके आए हैं। और ये है सिंगल कांटे वाली मछली, इसको इसका नाम पता नहीं क्या है, हम इसको सिंगल कांटा ही बोलते हैं। दूसरा दोस्तों हम लाए थे रोहू छोटी वाली, ये हमारी मैडम को बहुत पसंद है, इसको हम ऐसे ही फ्राई करेंगे, अभी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये मछली मुझे भी काफी पसंद है, इसमें कांटे थोड़े ज्यादा होते हैं। तीसरा दोस्तों आज हमें मार्केट में मिला है ये मछली बाजार में, तो दोस्तों इसको बोलते हैं झींगा मछली, प्रॉन्स। प्रॉन्स मैडम को पता है इसको क्या बोलते हैं। इस डिश को मैं बनाऊंगा शाम को, शाम की मील में, और अभी बनाएंगे हम 2 मछलियां। ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ, अभी हम इसके लिए पहले इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम मछली में हल्दी और नमक ये सब चीज़ें लगाएंगे, ये सब चीज़ें बेसिक होती हैं। और मैडम हमारा लहसुन धनिया पुदीना जो भी है वो कर रही हैं, और मैं कर लेता हूँ ये मछली में। दोस्तों हल्दी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे ये थोड़ा टेक्सचर भी बढ़ जाता है और ये फटती भी नहीं है। इसको फ्राई करने के लिए हम नमक और हल्दी और थोड़ा सा काली मिर्च ऐड करेंगे। मैरिनेट होने के लिए इसको हम रखने का टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, खाने का टाइम है, हम इसको फटाफट ऐसे ही बना लेंगे। हल्दी लगाओ, हल्दी लगाओ, हल्दी लगाओ, हल्दी लगाओ, हल्दी लगाओ। आज बड़ा साइलेंट तरीके से हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ब्लॉग बन रहा है, बड़े साइलेंट तरीके से मैडम और मुझे भी दिखाना ऊपर को, क्योंकि आज ब्लॉग बन रहा है दोस्तों, इसलिए आज बड़े साइलेंट तरीके से हम काम कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक घर में भूचाल मचाया होता मैडम ने, और कई तरह के गाने, कई तरह की फजीहतें होती, अभी तक हम खा भी चुके होते और मैडम अभी हजार बार चिल्ला चुकी होती हम पे। तो दोस्तों ये सब चीज़ें भी होना बहुत ज़रूरी हैं हमारी लाइफ में। तो मैडम क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं इतना कहना चाहूँगी जल्दी जल्दी बनाओ और खाते हैं, भूख लग रही है। और इसको कूट देंगे हम इसमें, कूटना इसे, ये है हमारा ईमानदस्ता स्पेशल टाइप का, और इसमें हम कूटेंगे। मुझे लगता है इसमें थोड़ा नमक कम हो रखा है, मैं थोड़ा नमक और इसमें मिलाता हूँ। ये है हमारा ईमानदस्ता, ये बहुत पुराने जमाने का है पर हमें बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत काफ़ी टाइम से हमने संभाल के रखा है। और इसके बाद इसमें मिला, इसमें है अदरक और लहसुन, और ये है मिर्चियाँ, और उसके बाद मैंने डालना है थोड़ा सा धनिया, और फिर डालूँगी जीरा। जीरा क्यों? इससे खुशबू अच्छी आती है, और ज़्यादा क्योंकि हम मसाले कुछ नहीं डालते हैं, इसलिए यही सब कुछ डालेंगे। अब कूट के इसको, जब ये बारीक हो जाएगा फिर आपको दिखाते हैं। कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल, इतना तेल डालना है कि मछली डीप फ्राई हो जाए, तो इतना काफ़ी है। मछली के लिए जो हम तेल यूज़ करते हैं, मछली बनने के बाद, फ्राई होने के बाद, वो तेल अक्सर बर्बाद हो जाता है, इसलिए हम ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाद में वो किसी काम नहीं आता, और वैसे भी तेल बहुत महंगा हो रखा है, सरसों का तेल, थोड़ा दिक्कतें होती ही हैं इंसान को।
उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारे ब्लॉगिंग हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं उसमें मज़ा आ रहा हो, और देखते हैं ये दूसरा ब्लॉग है, पहले हमने एक ब्लॉग बनाया, दूसरा ब्लॉग बनाएंगे, फिर तीसरा ब्लॉग बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके हमने ब्लॉग ही ब्लॉग बना के मकान बनाना है, बड़ी सी दीवार बनानी है हमने, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, हमारी जो मैडम है ये है पिथौरागढ़ की, और जो पिथौरागढ़ के लोग होते हैं ना, एक्चुअली मैं भी पिथौरागढ़ का हूँ, पिथौरागढ़ के जो महिलाएं होती हैं उनकी बड़ी सुरीली आवाज़ होती है पहाड़ी में, तो मैडम आपको थोड़ा सा संगीत से रूबरू कराएंगे, उखल कूटते कूटते, ये हमारा देसी उखल है, पहाड़ों में तो क्या बोलते हैं परमानेंट उखल होते हैं, लेकिन ये हमने यहाँ ऐसे मैनेज किया हुआ है दोस्तों, अच्छा लग रहा होगा आपको। तो मैडम जी जरा कैमरे से मुखातिब हुई है, मुझे और एक छोटा सा दुखड़ा मुखड़ा जो भी आप सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं प्लीज। मुझे नहीं आता, मुझे रील बनाना। तो एक छोटा सा गाना हो जाए पहाड़ी में, जल्दी आ बोल। सेल्फी करवा गया मैं, जल्दी आ बीजू वाला कौन सा भी सुना दे। यार गाना नहीं आता यार, इधर वो सुना दे, नहीं सुना सकती यार मैं गाना, नहीं आता मुझे कौन सा भी। अरे सुना दे यार एक कोई सा भी, तुम बोलो कोई छबेली मार दे। तो ये थी मैडम की सुरीली आवाज, आइए अब हम बनाते हैं मछली, बंद हो गया सुरीली आवाज। तो पहले हम फ्राई करेंगे रोहू को, एक्चुअली तेल ज्यादा गर्म हो गया था मैडम के गाने के चक्कर में, मैंने कर दी थी गैस बंद, मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ। पुत्री 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 क्या हो रहा, ये गैस पता नहीं क्या हो गया है इसको, बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, कभी कभी गैस जलाने में डर भी लगता है। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, ये पहली बार किचन में आ रहे हैं ना तब। हाँ क्यों नहीं। तो दोस्तों पहले करेंगे हम इसे फ्राई, जब भी हम मछली फ्राई करते हैं ना दोस्तों तो तेल से थोड़ा दूर रहना चाहिए, तो हम भी कोशिश करेंगे थोड़ा दूर रहने की। वाह आवाज तो अच्छी लग रही होगी, तो मछली का मुंह दोस्तों अभी उस तरफ को था, मैंने पलट के इस तरफ को कर दिया है। अब ये ईमान दस्ता में कूट के बारीक कर दिया है, मैंने ये बारीक कर दिया है। तो दोस्तों मैडम दुखी इसलिए है क्योंकि जब हम पहाड़ में रहते थे तो मैडम उखल जो परमानेंट उखल होता है उसमें गेहूँ नहीं चावल धान और मंडवा ये सब चीज़ें और मसूर वो भी चीज़ें होती हैं, पहाड़ी दाल है और जो खाद्य पदार्थ होते हैं दोस्तों तो वहाँ उखल में कूटे जाते हैं। तो मैडम परेशान इसलिए है कि मैं को उखल एक यहाँ भी लेके आया इनके लिए, तो ये कह रही है कि जी ने नहीं देखे पहाड़ में उखल ले खाई था यहाँ भी लेके आ गए। ये तो नहीं है पर ये है कि जो ये हमारा ईमान दिखता है ओखल की तरह ही लगता है, पर मैंने इसमें मसाले कूट के बारीक कर दिया है, आप देख सकते हैं कितना बारीक करा है, और इसके बाद हम जब इसको उस मच्छी में डालेंगे तो इसका टेस्ट बढ़ जाएगा, स्वाद बाहरी भाषा में कहते हैं हमारे स्वाद बढ़ जाएगा स्वाद। मछली हो गई है, रोहू मछली हमारी हो गई है फ्राई होके तैयार, अब हम इसको निकाले कैसे, ऐसे निकालते हैं इसको, थोड़ी देर इसमें रखेंगे ताकि इसका सारा तेल निकल जाए, और ये तो मस्त लग रही ना,
किया था आपने? तो अब हम करेंगे इसे फ्राई। थोड़ा इसमें हम दूरी बना के रखेंगे, ये चटकते भी है उसको। तो मछली जो है हो गई है लाल। दोस्तों जब इस तरह से मछली लाल हो जाए तो समझ लीजिए आपकी मछली हो गई है तैयार, बिल्कुल फ्राई। चकास। वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव और सिक्स डाल देते हैं यहाँ। तो दोस्तों जब तक मेरी मछली फ्राई हो रही है, हमारी मैडम जो है मच्छी करी के लिए मसाला तैयार कर रही है। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी अगर अपनी पत्नी के साथ ऐसे हाथ बटाते हैं किचन में, मैडम उसका कस्टमर जाएगा, अगर हाथ बटाते हैं ऐसे तो अच्छा लगता है दोस्तों, पत्नी को भी थोड़ा खुशी होती है और खाने में भी बड़ा मजा आता है। ट्राई करके देखिएगा एक बार, इसका स्वाद ज्यादा दुगना हो जाता है। खाने का स्वाद जो है ना दोस्तों वो दो गुना हो जाता है, दो गुना, दो 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 गुना यहाँ से और दो गुना यहाँ से, चार गुना हो गया। आप पापा का तो दोस्तों मच्छी हो गई है फ्राई, ठीक है ना। अब हमारी मैडम जो है बड़ी देर से लग जा रही है इसको खाने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ एक दो पीस हम खा के देखते हैं। मैडम की लार टपक रही है। हाँ हाँ मैडम कब से बोल रही है कि वीडियो कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब मैं इसको लपेटू। मुझे बहुत पसंद है। जब तक मैडम सब्जी बनाती है तब तक मैं थोड़ा सलाद का इंतजाम कर लेता हूँ। आजकल जो है सर्दियों के मौसम में ये मीठी वाली मूली बहुत आती है। ये कटेगी पहाड़ी स्टाइल में, ऐसे 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 और ऐसे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। ये हो गया हमारा सलाद तैयार। ये मेरा मसाला बन रहा है। इसी बीच में मैंने डाला है अदरक और लहसुन जो मैंने कूटा था, और टमाटर और प्याज, और अभी मसाला कुछ भी नहीं डाला है, मैं डालती भी नहीं हूँ। सिर्फ इसमें हल्दी डालूंगी, नमक बस, और कुछ नहीं डालूंगी। और काली मिर्च, और काली मिर्च। ये देख लो दोस्तों घर के मसाले में कितनी मतलब खुशबू है, आपको बता नहीं सकती मैं। आप महसूस कर सकते हैं बस, बस आप दूर से महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। हो गया। चलो तो मैडम अब खाना डाल रही हैं। अब मच्छी को देख देख के दिमाग खराब हो रहा है, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, जल्दी करो। आज सच में बहुत भूख लगी है क्योंकि बहुत लेट हो गया हमने, मछली इतने लेट लेके हमने थोड़ा सा मछली का तरी बनाया है और थोड़े से पकोड़े बनाए हैं।
ये मच्छी की तरी, ये पकोड़े हैं और ये लो थोड़ा तरी निकालो, ग्रेवी निकालो, ग्रेवी डाल दो इधर। ग्रेवी, ग्रेवी है ये, ग्रेवी। और तो अब आप अपने लिए डालिए। ओके, ये है पकोड़े, ये है पकोड़े और ये है पूरा वाला फिश। इसे बोलते हैं वैसे, क्या बोलते हैं इसको? रोहू, रोहू मछली। ओके, ये तो कैसा लग रहा है दोस्तों, मजा आ रहा है? तो दोस्तों ये था हमारा आज का मच्छी भात वाला ब्लॉग। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा ये ब्लॉग आपको पसंद आए, और पसंद आए तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।